नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाक बात। आज हम बेबाक बात करेंगे श्री श्री हनुस श्री मनत बाबा जी से। हमारे साथ में बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कोरोना का विषम समय है बाबा जी, इस समय को कैसे काटा जाए? लोग बड़े परेशान हैं। देखिए, जब भी संकट हो तो संयम की अनिवार्यता होती है। तो सबसे पहली शर्त ये है कि हम लोग थोड़ा संयम रखें। दूसरे मैं कहूँगा कि दो दो काल आ चुके हैं। एक तो कली काल से हम लोग गुजर रहे हैं और कली काल में भी कोरोना काल आ गया है। तो अगर दो संकटों से गुजरें तो हमें दोहरे संयम की अनिवार्यता हो जाती है। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि ये ऐसे आधारभूत गुण हैं, शांति है, संयम है, आत्म अनुशासन है, जो संकट में हमेशा काम आता है। तो मैं तो यही लोगों से प्रार्थना करूँगा, संकट का समय है, संयम रखें। और वैसे भी मुझे एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात याद आती है, इफ़ यू आर पासिंग थ्रू हेल कीप पासिंग। अगर आप नरक से गुजर रहे हैं तो गुजरते रहिए, ज़्यादा उस पर रिफ्लेक्शन नहीं दीजिए, ज़्यादा उस पर विचार नहीं करिए। इसीलिए संयम और आत्म अनुशासन की अनिवार्यता होगी आज के ज़माने में। हम बाबा जी से बात कर रहे हैं, मन्नत बाबा जी जो हैं आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन मेडिकल साइंस से भी आपका बहुत लेना देना रहा है। आपकी पढ़ाई शायद चिकित्सा शास्त्र की है, है ना? तो चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई की आपने, इस दौर में जो परेशानी की बात मैंने की, आपने संयम की बात की, बहुत ज़रूरी है संयम का धारण करना ऐसे विषम समय में। लेकिन ये जो बीमारी है, इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, कभी कोई कल्पना नहीं थी कि ये दौर भी देखने को मिलेगा। मैं ये कहूँगा कि ये एक आपत स्थिति है। और धीरज धर्म मी तरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। नारी शब्द को हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा कहने में, मेरे पास बेटी भी और बहन भी और माँ तो है ही है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो समय है, जिस समय से हम लोग गुजर रहे हैं, इसकी कल्पना आप पहले कैसे कर सकते हैं? हम लोग कोई फ्यूचरोलॉजिस्ट तो है नहीं, भविष्य के बारे में झांकने वाले लोग तो हैं नहीं। तो मैं ये कहूँगा ये अचानक आपत स्थित है, और अगर आपत स्थिति है तो इसका हम लोग संयम के साथ मुकाबला करें। तो पहले आप कैसे देख लेंगे भाई? जब आप उसे तभी देखेंगे जिसके बारे में आपको अनुमान हो। अगर कोई ये कहे कि अचानक एक वायरस चाइना से चल के दुनिया भर में फैल गया है, तो कोई जानता था कि चाइना में कोई वायरस होगा? और मैं आपको बता दूँ, 40,000 से ज़्यादा वेराइटी हैं वायरस की, बल्कि वैज्ञानिकों ने तो अरबों वेराइटी बताई हैं। तो क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किस वायरस में कौन सा वेरिएशन हो जाएगा, कौन सा म्यूटेशन हो जाएगा, तो अचानक इस तरह की घटना आएगी? लेकिन इसको हम लोग और अच्छे से रोक सकते थे, चाइना अच्छे से रोक सकता था, यूरोप अच्छे से रोक सकता था, रोक नहीं पाए, इसलिए खतरनाक समय शुरू हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पे लोग बात करने से बचते हैं। बाबा जी का कहना है कि इसको रोका जा सकता था, और मुझे लगता है ये भारत में भी रोका जा सकता था। जब पहला दौर आया कोरोना का, उसके बाद जो दूसरा आया बहुत भयावह था, आपने देखा होगा, आप अनुभव किया होगा, आपके सत्संग के जो लोग हैं, आपकी जो शिष्य मंडली है, कई लोगों ने इस पीड़ा को भोगा भी होगा। तो लगता है कहीं हमारे यहाँ भी चूक हुई है कि एक साल में हम वो तैयारियाँ नहीं कर पाए जो हमें कर लेनी चाहिए थी। देखिए, ये जो है, मैं इसकी तुलना जो है पानी के बहाव से करता हूँ। जब अचानक रातों रात बाढ़ आ जाए तो सारे नियम ध्वस्त हो जाते हैं। ये अभी एक छोटा सा सोशल मीडिया पे मजाक चल रहा है, किसी ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, 2 टॉयलेट हैं, अचानक 10 के 10 लोगों को शौचालय जाने की अनिवार्यता हो जाए, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि तैयारी नहीं थी। तैयारी एक सीमित मात्रा में होगी, अगर 10 लोग हैं तो 2 शौचालय पर्याप्त हैं। तो तैयारी सरकार की अच्छी थी। और मैं एक बात से मुग्ध हो जाता हूँ कि यूरोप और अमेरिका वाले जहाँ फेल हो गए, वहाँ हम पास होने की कगार पर हैं। आप इसको किसी नज़रिए से देखिए, 1 अरब और 30 करोड़ आबादी को संभालना और 30-32 करोड़ लोगों को संभालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सत्य, जितनी कई देशों की आबादी है उतना तो हम टीकाकरण कर चुके हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि शायद भारत की टोटल आबादी यूरोप के 53 देशों की आबादी के बराबर है। 53 प्रधानमंत्री मिलकर जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वैसे मैं अपने प्रधानमंत्री का बहुत प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा काम अच्छा कर रहे हैं। दूसरे, हम लोगों पर श्री हनुमान का अनुग्रह भी है। जिस अनुपात में मौतें होनी चाहिए, जैसे यूरोप में हुई, इटली में हुई, फ्रांस में हुई, ब्रिटेन में हुई या अमेरिका में हुई, उस अनुपात में मौतें नहीं हुई। हालांकि हम लोगों ने अपने बहुत सारे नज़दीक लोगों को खोया है, जो चले गए उनका दुख तो हृदय में है ही है, लेकिन मैं ये कहूँगा फिर भी बहुत अच्छी स्थिति है। वैसी भयावह स्थिति नहीं जैसे यूरोप और अमेरिका में है।
वो हमसे टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने संयम से, और ये हमारा एक सोशल सिस्टम है, एक सामाजिक स्थिति है, जिसकी वजह से हम काफ़ी बच गए हैं। मैं यहाँ एक जिक्र और करना चाहूँगा, बाबा जी ने प्रधानमंत्री जी की बात की इसलिए कि बाबा जी का वास्ता बनारस से, अभी हम भोपाल में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बनारस से वाराणसी से बाबा जी का वास्ता है, और मोदी साहब वहाँ से चुनाव लड़के और फिर प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो आपकी क्या राय है? कुल आपने मोटे मोटे शब्दों में तो कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 53 देशों के राष्ट्र प्रमुख जो काम कर रहे थे वो हमारे एक प्रधानमंत्री कर रहे थे। देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं तो उनका वोटर भी हूं, लेकिन ये नहीं बताऊंगा वोट दिया है या नहीं, बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मैं उनका प्रशंसक हूं, और वैसा प्रशंसक नहीं हूं जैसे भक्त लोग हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत सारी नीतियों से बहुत सहमत हूं, और हमारे पास एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है, इससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, इतना ही पर्याप्त है। वैसे भी भारत में दो प्रधानमंत्रियों का बड़ा के प्रति बड़ा अनुरक्त रहता हूँ, उसमें एक हमारे नेहरू जी थे और दूसरे हमारे मोदी जी हैं, दोनों की धाराएं अलग हैं, दोनों देश को बचाना चाहते हैं। पिछली बार जब कोरोना आया था तो इनका काम बहुत अच्छा था, इस बार जब कोरोना आया सेकेंड वेव में, इनका काम केवल अच्छा है, इन शब्दों के अर्थ समझिए। पिछली बार पूरे देशव्यापी लॉकडाउन हुआ था, इस बार शायद लोग चिल्ला रहे थे इकॉनमी, इसलिए पूरे देशव्यापी लॉकडाउन नहीं हुआ है। वही काम अगर हो गया होता 1 अप्रैल को, तो मैं अपने बहुत नज़दीकी शिष्यों को, मित्रों को, शुभचिंतकों को खोता नहीं, इस बात का मोदी जी को लेके मुझे हमेशा मलाल रहेगा। बहुत बड़ी बात कही है बाबा जी ने, मनोज बाबा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा और अच्छा, बहुत अच्छा और अच्छा के बीच की जो दूरी है उससे आप अंदाज लगा लें कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, और उसका मलाल बाबा जी के मन में भी देखने को मिला है, कई लोगों को खोया है हम सभी ने, और विषम परिस्थितियों से पूरा देश गुजर रहा है। इस तरह की स्थितियाँ जब भी आती हैं, तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि संयम, लेकिन लोगों में उसी की सबसे ज़्यादा कमी देखी जा रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि लोग बहुत, जिसे कहते हैं, आधारभूत स्तर पर जीवन गुजारते हैं, ऐसा कोई नहीं होता है, हर कोई राष्ट्र चिंतन में नहीं लगा रहता है, सबके अपने बीवी बच्चे हैं, वो लोग उसी में खोए रहते हैं, तो आप एक आम आदमी से इतना असाधारण चिंतन की उम्मीद बिल्कुल नहीं करिए, ये गलत है। चिंतन करने का काम राष्ट्र के कुछ निर्माताओं का है, राष्ट्र के प्रति जो नज़रिया रखते हैं, जो दिग्दर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, उनको करना है, हर किसी को नहीं करना है। तो लोग जो है, लोग तो संकट में आ ही जाएंगे, हम तकनीकी रूप से पूरे देश को नज़रबंद कर दिया गया है, जैसे आपने सुना होगा पुराने ज़माने में नेताओं को नज़रबंद किया जाता था, तो आज तो देश का हर नागरिक नज़रबंद है, तो ये अंदर से थोड़ी बेचैनी और घबराहट तो होगी, और हम लोग जो भारत के नागरिक हैं, थोड़ा घबराने और थोड़ा बेचैन होने का तो भाई हक होना ही चाहिए, भले संविधान में ना लिखा हो, लेकिन हम अपने से ही हक ले रहे हैं। लेकिन बाबा जी, बेचैन होना, घबराना सही है, लेकिन जान की कीमत पर लॉकडाउन का पालन नहीं करना, छोटी छोटी सी जो बातें हैं, मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करना, ये चीज़ें भी तो ठीक नहीं है। देखिए मैंने 1 अप्रैल को एक बात सोची, हमारे प्रधानमंत्री जी को आके टीवी पे कहना चाहिए कि हम आपको पिछले साल बता चुके हैं लॉकडाउन कैसे किया जाए, पिछली बार मैंने बलपूर्वक लॉकडाउन कराया था, इस बार आप अपने से लॉकडाउन करिए, आत्मअनुशासन से, मेहरबानी करके घर से बाहर मत निकलिए, बड़ा ख़तरा है। लेकिन ये बात उन्होंने आगे कहा नहीं, ये एक मैं तो कहूँगा कि पक्ष और विपक्ष की जो प्रतिस्पर्धा थी, उससे मैंने अनेक लोगों को खो दिया। अगर लॉकडाउन किया जाता तो विरोधी लोग कहते थे इकॉनमी जो है नीचे जा रही है, इकॉनमी को बचाने की कोशिश की जाएगी तो लोगों की जान जाने लगेगी, तो ये जो हमारे यहाँ लोकतंत्र का इसकी संरचना है, उसका हमें नुकसान हो गया। विरोधी कुछ कहने लगे, प्रधानमंत्री जी कुछ कहने लगे, मुझे अच्छा नहीं लगा। इन दोनों की लड़ाई में, कहावत होती है, दो हाथियों की लड़ाई में घास का बड़ा नुकसान होता है, मैंने लोगों को खोया है, हम घास हैं, हमारा भारी नुकसान हो गया है, कोई भरपाई कर सकता है? जो इकॉनमी बचाना चाहते थे, जो लॉकडाउन नहीं करना चाहते थे, या जो लॉकडाउन करना चाहते थे इकॉनमी नहीं बचाना चाहते थे, आखिर दो हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान तो हो ही गया है। मैं देश की प्रजा को, देश के लोगों को, लोकतंत्र के नागरिकों को घास ही समझ रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि दो लोगों की लड़ाई में घास का नुकसान हो गया। मनोज बाबा से बातचीत का ये दौर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं कि हम छोटा सा ब्रेक।
लाइफ इज अबाउट टू चेंज है. नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स. बिल्कुल सही कहा तुमने. इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च. लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो. रियली डैडी बने हो? देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा. स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में. क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC. विभाग बात में आपका स्वागत है. मेरे साथ मन्नत बाबा हैं. बाबा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही. आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप चिकित्सक रहे हैं, दोनों नजरिए से घास का नुकसान हुआ है, आम लोगों को दिक्कत आई है, लेकिन डॉक्टर्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई. एक फ्रंट लाइन पे जो मैंने देखा कि पुलिस के लोग रहते हैं, लॉकडाउन अगर होता है, सफल हुआ लॉकडाउन, तो पुलिस की वजह से, और लोगों की जान बची तो चिकित्सक की वजह से. देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा, सब लोगों ने अच्छी सहायता करी है. डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल्स ने, नर्सेज ने बहुत मेहनत की है. ये फ्रंट लाइन वर्कर्स, इनको कहा भी गया है. पुलिस का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है. और जब पूरा देश जो घर में छुप के बैठा हुआ है, तो हमारे पुलिस के लोग सड़कों पे निकल के काम कर रहे हैं. सैकड़ों पुलिस वालों ने अपना जीवन खोया है. जिस जिस को जिम्मेदारी दी गई थी, उसने अपना काम किया है. मैं तो ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, नगर पालिकाएँ हैं, इसमें कुछ लोगों से कहा जाता था कि इस बंदे की मौत हो गई है, अब इसे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इसका अंतिम संस्कार करो. जरा आप किसी एक दो आदमियों का अंतिम संस्कार करके देखिए. मैं तो काशी से हूँ, वहाँ के घाटों पे मैंने अपने तमाम लोगों का अंतिम संस्कार किया है, 100 से अधिक लोगों का. मन बड़ा व्यथित हो जाता है जब कोई दुनिया से चला जाता है. तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि नगर पालिका वालों ने अच्छा काम नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया, डॉक्टर्स ने नहीं किया. सब ने मेहनत करके किया. और सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया. कई राजनीतिज्ञों को कोरोना भी हो गया था. तो अगर आप इसको एक नज़रिए से देखें, तो संकट के इस समय में हर किसी ने अच्छी भूमिका अदा की है. मैंने कहा ना, यूरोप और अमेरिका वाले हमारे मुकाबले में नहीं हैं. अगर उनकी जनसंख्या के अनुपात में मौत की संख्या देखी जाए, आप हैरान हो जाएंगे. मैं दुनिया की सबसे विकसित लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की. वहाँ हमारी तुलना में ज़्यादा लोग मरे हैं. तो मैं ये कहूँगा, सब ने अपना अपना काम किया. लेकिन जब कोई महामारी होती है, तो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट के बीच एक मजाक चलता है. उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं. अब आप ये कहेंगे, मौत से क्या सीखना है? लेकिन जैसे कहा जाता है, देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी. हर संकट में एक अवसर छुपा होता है. मैं आपको बताऊंगा कि इसी बीमारी के बाद से भारत की हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी हो जाएंगी. आप देखिएगा, अगले 5 साल के अंदर इतने अच्छे हमारे अस्पताल हो जाएंगे, जिनका हम तिरस्कार करते रहते हैं. इतने अच्छे से हमारे डॉक्टर्स काम करने लगेंगे, और हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है, बहुत अच्छी हो जाएगी. ये बात को, ये बहुत बड़ा बदलाव, ये चीज़ जो मैं देख रहा हूँ. दूसरे, दवाइयों के प्रति नज़रिया, भारत जैसे विशाल बाज़ार में दवाइयों की कमी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अगले 2-4 साल में एड्रेस होंगी. हो सकता है कोरोना में मैं ना रहूँ, हालांकि मैं श्री हनुमान से प्रार्थना करूँगा मुझे 100 साल का जीवन दें, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है. 84 साल के दादाजी बच जा रहे हैं और 22 साल का ग्रैंडसन गुजर जा रहा है. मैं इस बात को लेकर व्यथित हूँ. लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारे सिस्टम है, इसमें सुधार आएगा, और बहुत अच्छा सुधार आएगा. वैसे 70 सालों में स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, वो हुए नहीं. ये राजनीतिक सवाल है. साधु संतों से आप राजनीतिक सवालों के बारे में बोलने से आप बाध्य ना करें तो ज़्यादा अच्छा. जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने भी मेडिकल की पढ़ाई की. मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अपने देश को लेकर बहुत आशान्वित रहता हूँ. और आपको एक बात पता होगी कि एक आदमी जो आशावादी है, उसने हवाई जहाज़ की खोज की होगी. और निराशावादी आदमी जब उस हवाई जहाज़ में बैठा होगा, तो उसने सोचा होगा ये जहाज़ कहीं गिर न जाए, तो उसने पैराशूट बनाया होगा. पैराशूट भी उतना ही ज़रूरी जितना हवाई जहाज़. आप समझ गए? तो पिछले 70 साल में अगर शिक्षा अच्छी नहीं थी, तो हम आप बैठ के संवाद कैसे कर रहे हैं? आखिर उसी शिक्षा मंडल से तो गुजर के हम लोग यहाँ तक आए हैं. मैं अपनी शिक्षा को अच्छा मानता हूँ. अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी शिक्षा ब्रिटेन वालों की तुलना में अच्छी नहीं है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ. उन्होंने तो हमें बुरी तरह लूटा है. और मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑक्सफोर्ड में एक गाइड से किसी ने पूछा कि सबसे लेटेस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड का कौन है.
तो उसने कहा सबसे लेटेस्ट कॉलेज सामने देखिए, बेलियॉल कॉलेज सबसे आखिर में बना, ये लेटेस्ट है। तो उसने सोचा कि दो चार साल पहले बना होगा। उसने कहा कब ये बना था? उसने कहा 1498 में, 1498। ये वही साल था जिस साल वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक समुद्री रास्ते की खोज की थी। भारत की खोज नहीं की थी, भारत को रास्ते की खोज, रास्ते की खोज की थी। अब आप सोचिए कि जिस साल वास्को डी गामा भारत आया और उसके करीब 150 साल बाद जो है आगरा में जो है जितने पैसे से ताजमहल बनाया गया था उतने पैसे से 3 यूनिवर्सिटी बन सकती थी, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज और शेफील्ड। तो भाई हम तो पीछे हो गए थे। तो आप उनसे अपनी तुलना ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जिस तरह से हमारे बच्चे पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, हम कैसे मान लें कि हमारा सिस्टम हमारे बच्चे अलग अलग फील्ड में काम करें, लेकिन तब भी एक बड़ा तबका है जो शिक्षा से वंचित है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, मैंने अपने एक बार पिताजी से पूछा कि आप बचपन में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या थी। बोले हर 2 महीने पे बीमार हो जाता था मलेरिया से, आज मलेरिया का नामो निशान नहीं। इसी ख़राब मेडिकल सिस्टम में भी फटाफट डायग्नोसिस हो रही है, फटाफट काम हो रहा है, फटाफट इलाज हो रहा है, और जितनी तेज़ी से यूरोप अमेरिका के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा स्पीड से हम काम कर रहे हैं। तो ये कहना समीचीन नहीं होगा कि उनके यहाँ भी तमाम बड़े डॉक्टर तो हमारे हैं। अब ये तो आत्म प्रवंचना हो जाएगी हर चीज़ में अपनी वाह वाही। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ख़राब एजुकेशन के बावजूद भी बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर्स जो हैं वो ख़राब शिक्षा के बावजूद भी बहुत अच्छे हैं, और हमारे विद्यार्थियों को देखो एक बात हम तुम्हें बताऊँ, आपको एक बात मैं बताना चाहूँ, ये सेंटेंस हटा दीजिएगा तुम्हें, ये हमारे जो विद्यार्थी, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ विद्यालय ही शिक्षा दे रहा है, अखबार भी शिक्षा दे रहा है, माने या ना माने। मुझे एक मशहूर संपादकाचार्य की याद आती है, शायद राजेंद्र माथुर साहब थे, उन्होंने कहा था कि अखबार अपने आप में एक विश्वविद्यालय, शायद ये बात राहुल बारपूते ने कही थी, और उन्होंने कहा था अखबार एक विश्वविद्यालय होता है, इसमें कोई अनर्गल बात नहीं छपनी चाहिए, इसका ख्याल रखना होगा, कोई एक गलत बात नहीं छपनी चाहिए। तो हम लोग सीखते अखबारों से भी हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा अखबार कहाँ बिक रहे हैं ये तो आप जानते ही होंगे, और सबसे सस्ते भी, और हमारे चैनल्स भी हमें एजुकेट कर रहे हैं। तो आप ये, हम लोग इस कन्फ्यूजन में रह रहे हैं कि पढ़ाई केवल क्लासरूम में होती है, सभी दिशाओं में, वेदों में लिखा है सभी दिशाओं से ज्ञान आना चाहिए, अब वो वेदों वाला भारत है, सभी दिशाओं से ज्ञान आ रहा है। तो ये कहना हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, दिस इज़ ऑल बुलशिट, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं। ये जो काल है इसमें जो अध्यात्म है, आपने धैर्य की से शुरू किया था, अगर अध्यात्म से लोग जुड़ते हैं, पूजा पाठ में लोग जाते हैं, तो बहुत शांति मिलती है कहते हैं। और हमारे युवा, हमने देखा है कि पहले तो बड़े विरक्त थे, लेकिन आजकल वापस धीरे धीरे योग के प्रति, अच्छे खान पान के प्रति, आध्यात्म के प्रति सब रुचियां जागृत हो रही हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा जो कहना नहीं चाह रहा था, करीब पिछले 1500 साल से भारत डार्क एज में चला गया था, अंधेरे युग में। अब धीरे धीरे हम उस युग से बाहर आ रहे हैं। पिछले 5000 साल में जो भी अच्छी चीज़ है उसको हम लोग बाहर निकाल के रख रहे हैं, इसे इंग्लिश में पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है, उत्तर आधुनिकता। तो जब ये चीज़ें हम बाहर ला रहे हैं तो इस समय मैं भारत को सबसे अच्छा मानता हूँ पिछले 1500 साल में, और हम पहली बार इतने अमीर हैं, पहली बार हम इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, और पहली बार हम लोग बड़ी निष्ठा के साथ सोच रहे हैं थोड़ी शांति भी आनी चाहिए, हम शांत की तलाश में निकले हैं। ये आवश्यक नहीं कि शांत की तलाश के लिए आपको हमेशा भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेनी पड़े, आपके अपने दुख भी आपको प्रेरणा देते हैं कि हमें शांत की तरफ जाना चाहिए। तो ये ऐसा समय है जब लोग थोड़े से आध्यात्मिक होने के लिए भी अपनी अभिरुचियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कोई बहुत वाम मार्गी होगा, वामपंथी होगा तो बात अलग है, वो हर चीज़ों को निगेट करेगा तो बात अलग हो गई, लेकिन ये इसको वैज्ञानिक भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि अगर हम शांत की तलाश में हैं और हमने कुछ आध्यात्मिक तरीकों का अनुगमन किया तो हम शांत की तरफ चलेंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें कहीं नहीं लिखा है ओम ईश्वर ईश्वर ईश्वर, उसमें कहीं नहीं लिखा ओम ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, वहाँ एक ही बात लिखी गई है ओम शांत शांत शांत, क्योंकि शांत पहली सीढ़ी है, पहले सोपान पर आप खड़े होंगे तो आप आध्यात्मिक होते हुए ईश्वर तक भी चले जाएंगे। बाबा जी बजरंग बली, हनुमान जी जिनको कहते हैं कि कलयुग के देवता हैं, वो आप उनके भक्त हैं, ऐसे में बजरंग बली भी क्या भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं अपने? मैं आपको बताऊं, भारतीय धर्मों में श्री हनुमान को उन सप्त चिरंजीवियों में शामिल किया गया है, सप्त चिरंजीवियों में शामिल किया गया है
जो अभी भी धरती पर रहते हैं। तो जो धरती पर रहते हैं, हम उन्हें देख पाए या ना पाए, हमारी मदद करेंगे ही। तो श्री हनुमान तो हमारी मदद कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं कर रहे हैं। और मैं आजकल एक मजाक करता हूँ, हालांकि मजाक नहीं कहना चाहिए, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि कोरोना से बचने के 4 प्रोटोकॉल हैं। एक तो शायद मास्क लगाना है, जो हम लोगों ने अभी इंटरव्यू के पहले लगा रखा था। दूसरा, एक दूसरे से थोड़ी सी सामाजिक दूरी बना के रखें। और तीसरा, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और चौथा, जहाँ तक हो सके अपने घर में कैद होकर रहें और घर को ही एंजॉय करें, बाहर को नहीं। 4 चीज़ें शर्त हैं, मैं कहता हूँ उसे 5वीं चीज़ भी डाल लीजिए, ज़रा श्री हनुमान का सुमिरन भी हो जाए। ये एक्सक्लूसिवली हिंदुओं के लिए होगा, दूसरे धर्मानुयायियों के लिए नहीं होगा, जो जिसको मानते हैं उसका करें। लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो मैं आपसे इतनी सी प्रार्थना करूँगा कि श्री हनुमान आपके आसपास हैं। अगर बाकी देवताओं का आप आह्वान करेंगे, उन्हें देवलोक से आकर कष्ट करना पड़ेगा। प्रभु तो आसपास ही घूम रहे हैं, जब भी बुलाओगे, तुमने बुलाया और हम चले आए, इस तरह के देव हैं। तो अगर आप श्री हनुमान में आस्था रखते हैं, तो जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका मैं थोड़ा सा विस्तार कर दूँ। सबसे पहले मास्क लगाइए, दूसरे नंबर पर आप सामाजिक दूरी रखिए, तीसरे नंबर पर वैक्सीनेशन लीजिए, और चौथे नंबर पर जहाँ तक हो सके घर में ही रहिए। और जब घर में हैं तो श्री हनुमान का सुमिरन होना ही चाहिए। तो जिन लोगों को श्री हनुमान चालीसा याद ना हो, मैं ऐसे लाखों हिंदुओं को जानता हूँ जिन्होंने भारतीय धर्मों की हमेशा अवहेलना करी है, तो जिन लोगों को श्री हनुमान चालीसा भी याद ना हो, इस घर प्रवास के दौरान मेरी उनसे प्रार्थना है कि कम से कम हनुमान चालीसा तो सीख ही लो। तो ये कोरोना प्रोटोकॉल में अब ये 5वीं चीज़ भी मैंने शामिल कर ली है। बाबा जी, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और आपने सुना मन्नत बाबा जी को जो बता रहे थे कि कोरोना प्रोटोकॉल में अगर आप 5वीं चीज़ हनुमान जी का सुमरण और शामिल कर लें, तो ये वक्त बहुत आनंद से गुजर जाएगा। मुसीबतें आती हैं, टल जाती हैं। चीज़ ऐड कर दूँ और कुछ और बाबा जी करें, मैं ये कहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे प्रोटोकॉल से कोरोना का इलाज कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। और अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि कोरोना में 3 ही चीज़ जो हैं वो मेन प्लेयर हैं, पहला ऑक्सीजन लेवल, दूसरा स्टीरॉयड्स, और तीसरा ब्लड थिनर। मैं कहता हूँ इसमें श्री हनुमान को भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये कोई आदमी नहीं बता सकता है कि कोरोना होने के बाद कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। 84 साल का दादा बच जाता है और 22 साल का ग्रैंडसन गुजर जाता है। ये क्यों गुजर जाता है? क्योंकि हम लोगों ने श्री हनुमान का स्मरण बंद कर दिया है। तो ये जो ये फैक्टर है, इसको भी शामिल करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हरिओम। बाबा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, और इस समय ईश्वर का स्मरण करना, बजरंग बली का स्मरण करना वाकई लाभ देगा और सारी स्थितियाँ ठीक होंगी। बाबा जी आशावान हैं, इसलिए हम सबको भी आशावान रहना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।